हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी पॉलिटी की पहली क्लास होगी। पूरी की पूरी पॉलिटी आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करके एंड तक ले जाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना जरूरी होता है। उसके बारे में भारतीय संविधान जो आज परिलक्षित होता है, जिसको हम एक बुक के फॉर्मेट में देखते हैं, तो उसके बनने के पीछे का इतिहास क्या रहा है, ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और यहीं से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ही। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब क्या है? आज जो संविधान हम देखते हैं वो इन्हीं नींव पे बना हुआ है। जितने भी अंग्रेजों के द्वारा लाए गए जितने भी एक्ट हैं वो हमारे संविधान के लिए नींव का काम करते हैं। आप सबको पता होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 का 70% भाग हमारे संविधान में है, ठीक। तो इस दृष्टि से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। जब हम भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं तो उसके संवैधानिक विकास को हम दो भागों में बांट के देखते हैं। पहला, कंपनी का शासन। 1773 से 1758 तक कंपनी का शासन होता है और उसके बाद क्राउन का शासन होता है 1858 से 1947 तक। पहले ये जानिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि 1858 तक सीधे कंपनी शासन करती थी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम होता है, 1857 का विद्रोह होता है, तो उसके बाद जो क्राउन होते हैं सम्राट, वो शासन सत्ता अपने अधीन ले लेते हैं कंपनी से। तो इसमें 1857 की क्रांति जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो 1857 के पहले कंपनी का शासन होता है और जब विद्रोह हो जाता है तो सम्राट बहुत नाराज़ होते हैं कंपनी से कि आपके भारत में रहते विद्रोह कैसे हो गया। तो इसी नाराजगी के बाद कंपनी यहाँ की शासन सत्ता सीधे अपने हाथ में ले लेते हैं। अदरवाइज इससे पहले वो कंपनी के माध्यम से शासन कर रहे थे, लेकिन अब सीधा क्राउन के हाथ में चला गया। तो संवैधानिक विकास हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहला, कंपनी का शासन जो 1773 से 1858 तक होता है। इसके बाद क्राउन का शासन जो 1858 से 1947 तक होता है। तो आइए देखते हैं पहले कंपनी के अधीन शासन। तो इसमें हम 1858 तक पढ़ेंगे, इसके बाद क्राउन के शासन के अंतर्गत 1858 के बाद जितने एक्ट आए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहला एक्ट आता है जिसका नाम होता है रेगुलेटिंग एक्ट। कब आता है? 1773 में ये एक्ट आता है। तो दोस्तों, इसका नाम आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, रेगुलेट। रेगुलेट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को चलाना, किसी सिस्टम को रन कराना, तो उसी के लिए रेगुलेट शब्द यूज होता है। तो कंपनी को चलाने के लिए कि कंपनी किस तरीके से काम करेगी, तो उसके लिए जो एक्ट लाया गया उसका नाम क्या रख दिया गया, रेगुलेटिंग एक्ट। चूंकि ये कंपनी को चलाने के लिए लाया गया था, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है कंपनी को चलाने के लिए। इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए, कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन सी बातें हैं। ये टॉपिक, ये जो पहला चैप्टर है, यहाँ से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। वो चाहे PCS का एग्जाम हो, RO का एग्जाम हो, या कोई अन्य एग्जाम हो, वन डे एग्जाम। तो देखते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल की गई हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की पहली विशेषता यह है कि इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब क्या इसका, इसके पहले जो बंगाल के गवर्नर होते थे उनको बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, लेकिन अब उनको क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किसका? बंगाल का। तो इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यहीं पे ये भी देख लीजिए कि पहले गवर्नर जनरल कौन हुए, ये भी पूछता है। तो पहले गवर्नर जनरल आपके वारेन हेस्टिंग थे, क्योंकि उस समय वारेन हेस्टिंग ही थे, जब नाम बदला गया इसीलिए वही पहले गवर्नर जनरल हो गए। कौन? वारेन हेस्टिंग। तो इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल हुए। इसी एक्ट के माध्यम से बंगाल में द्वैत शासन समाप्त किया गया था। अगर आपसे कभी पूछे किस एक्ट के माध्यम से बंगाल में द्वैत शासन समाप्त हुआ, तो आप जानिए रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल में द्वैत शासन समाप्त हुआ था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एक नोटबुक बना लीजिए, इसको नोट करते हुए चलिए। पूरी की पूरी पॉलिटी आपको हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी, समझ रहे हैं। तो अगर आपके पास नोटबुक रहेगी, पेन रहेगा आपके पास, तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, बाकी मैं समझाते हुए तो चल ही रहा हूँ। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण जो है कि जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं इसमें दूसरा प्रोविजन क्या किया गया। दो बातें हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ ली, क्या कि बंगाल में द्वैत शासन समाप्त किया गया इस एक्ट के माध्यम से, दूसरा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुए। इसी एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का भी प्रावधान किया गया।
किस एक्ट के माध्यम से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब की गई ये? 1774 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया। इसमें प्रारंभ में एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम था आपका एलिजा इम्पे। ये कभी कभी पूछता है मुख्य न्यायाधीश का नाम, तो मुख्य न्यायाधीश का नाम एलिजा इम्पे था तथा तीन अन्य न्यायाधीश भी इसमें शामिल थे। तो मुख्य न्यायाधीश का आप लोग नाम याद रखेंगे। तो तीन चीज़ें होगी, पहली क्या होगी, बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति। दूसरी, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तीसरा, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके माध्यम से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से, और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम आपका एलिजा इम्पे था। इसी एक्ट के माध्यम से, चूंकि ये एक्ट जो लाया गया वो कंपनी को चलाने के लिए लाया गया, उससे पहले कोई विशेष नियम नहीं था कंपनी चलाने के लिए, तो जो कंपनी के कर्मचारी थे वो खुद का निजी व्यापार करने लगे थे, जिससे कंपनी को घाटा हो रहा था, वो रिश्वत स्वरूप उपहार लेने लगे थे। तो इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार करने पर, मतलब अगर कोई कंपनी का कर्मचारी है वो अपना व्यापार नहीं कर सकता है, इससे क्या होता, कंपनी का घाटा होता, तो इसलिए निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। तथा उपहार लेने पर क्या होता था कि कर्मचारी जो थे वो रिश्वत के रूप में उपहार ले लेते थे और कहते थे साहब हमने तो उपहार मिला है, तो इस प्रथा को भी खत्म किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार तथा उपहार पर भी रोक लगा दी गई कि वो ना निजी व्यापार कर सकते हैं ना किसी से उपहार ले सकते हैं। ये क्यों हुआ? ताकि भ्रष्टाचार कम किया जाए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। पूछता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किस एक्ट के माध्यम से किया गया? तो याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से किया गया था। तो पांच इंपॉर्टेंट चीज़ें रेगुलेटिंग एक्ट में शामिल थी जिसे हमने पढ़ा। फिर से रिवीजन करिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि बंगाल में द्वैत शासन समाप्त किया गया। बंगाल में द्वैत शासन समाप्त हुआ, बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले गवर्नर जनरल बंगाल के वारन हेस्टिंग हुई। इसी एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और उपहार लेने पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। अब इस एक्ट के बाद एक दूसरा एक्ट आता है जिसका नाम है पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट, या इसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, जो कब आया? 1784 में आया। तो कंपनी को चलाने के लिए समय समय पर ऐसे ही एक्ट आते रहे हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से कंपनी को एक गाइडलाइन दी गई कि कंपनी इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, उसके बाद आता है पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या किया गया, इस एक्ट की प्रमुख विशेषता क्या है जो जानना जरूरी है? कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से 1784 में जो आया था उसके माध्यम से कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि अब अलग अलग व्यक्तियों को, कोई एक व्यक्ति होगा जो राजनीतिक काम को देखेगा, कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो वाणिज्यिक कार्यों को देखेगा। जब एक ही व्यक्ति इनको देखता था तो जवाबदेहिता की कमी थी, ठीक है, तो जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। राजनीतिक मामलों को देखने के लिए एक 4 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, ठीक है। तो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से दो महत्वपूर्ण काम किया गया। पहला काम ये था कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। दूसरा काम ये था कि राजनीतिक मामलों के लिए 4 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन 1773 में हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से हुआ था। ये दोनों बोर्ड पूछे जाते हैं, इसे क्लियर करके रखिएगा। अब 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आ गया तो शासन इसके माध्यम से कुछ समय तक चलता रहा। फिर कुछ और सुधार की आवश्यकता हुई, कंपनी के जो कार्य थे, जो क्रियान्वयन थे, उसके लिए कुछ और दिशा निर्देशों की आवश्यकता महसूस हुई वहाँ के सम्राट को। तो 1813 में एक और चार्टर एक्ट लाया गया। पहला आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, दूसरा आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, फिर आता है आपका चार्टर एक्ट 1813 में। अब ये जो चार्टर एक्ट आया 1813 में, इसकी प्रमुख विशेषताएँ क्या क्या हैं? ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको कंठस्थ कर लेना है ताकि आपको याद रहे, प्लस ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। मैं इसीलिए किनारे हूँ कि आप पॉज करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं चार्टर एक्ट 1813 की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चार्टर एक्ट 1813 की प्रमुख विशेषता ये है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसका क्या मतलब है? चूँकि 1784 में जब पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट आया, इसके बाद लगभग 30 साल हो गए थे, कोई एक्ट नहीं आया था, चार्टर एक्ट आता 1813 में। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में व्यापार करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी, लेकिन इंग्लैंड की जो अन्य कंपनियां थीं, वहां की जो लोकल कंपनियां थीं जो भारत में व्यापार करने अभी नहीं आ पाई थीं, वो वहां पे विरोध कर रही थीं इंग्लैंड में कि साहब हमको भी मुनाफा कमाने के लिए भारत भेजा जाए।
ठीक है। तो उनके बढ़ते विरोध को देखते हुए यहाँ पे भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने का क्या मतलब हुआ, अब तक भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से इंग्लैंड की जो अन्य कंपनियां थी उनको भी भारत में व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया कि साहब आप भी जाइए और वहां पे व्यापार करके मुनाफा कमाइए और वहां से जो धन अर्जित हो उसको इंग्लैंड भेजिए। ठीक है, क्यों किया गया, क्योंकि वहां पे विरोध हो रहा था। बाकी जो कंपनियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ के जो अन्य कंपनियां इंग्लैंड की थी वो इंग्लैंड में विरोध कर रही थी कि हमको भी भारत व्यापार करने के लिए भेजा जाए। तो इसीलिए ये एक्ट लाया गया, चार्टर एक्ट 1813। और इसमें क्या प्रोविजन किया गया कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अब समाप्त होगा, अन्य कंपनियां भी इंग्लैंड से जा सकती हैं भारत व्यापार करने के लिए, लेकिन चाय और चीनी को छोड़ के, अर्थात चाय और चीनी पे इनका व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि अन्य कोई भी कंपनी जो इंग्लैंड से भारत आ रही है वो बाकी चीज़ों का व्यापार कर सकती थी लेकिन चाय और चीनी का व्यापार नहीं कर सकती थी। अभी भी चाय और चीनी का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी, लेकिन बाकी जो व्यापार है, कपास का व्यापार है, रेशम का व्यापार है, मसालों का व्यापार है, ये सारे व्यापार अन्य कंपनियां भी भारत में आके कर सकती थी, लेकिन दो को छोड़ के, चाय और चीनी को छोड़ के। तो याद रहेगी ये चीज़ें आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस एक्ट में महत्वपूर्ण है कि इस एक्ट के माध्यम से पहली बार प्राथमिक शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपया दिया गया। मतलब भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए पहली बार 1,00,000 रुपये खर्च किया गया। किस एक्ट के माध्यम से, 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये पहली बार खर्च किया गया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये कई बार पूछा है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए पहली बार बजट का आवंटन किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार प्राथमिक शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये खर्च किए गए या 1,00,000 रुपये का आवंटन किया गया। तीसरी इंपॉर्टेंट जो इसमें फैक्टर है वो ये है कि इसी एक्ट के द्वारा, किसके द्वारा, 1813 के ही चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश दिया गया। इससे पहले ईसाई मिशनरी भारत में नहीं आ सकते थे, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति प्रदान कर दी गई। तो 1813 चार्टर एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें तीन प्रोविजन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीनी पे व्यापारिक एकाधिकार उसका बना रहा। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा पे पहली बार 1,00,000 रुपये खर्च किए गए इस एक्ट के माध्यम से, और ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश दिया गया। तो ये हो गया 1813 का चार्टर एक्ट। अब इस एक्ट के माध्यम से कंपनी को भारत में 20 साल तक और व्यापार करने की छूट दे दी गई कि अब 1813 से आप 1833 तक तो आराम से व्यापार करिए, अब 1833 में फिर देखा जाएगा कि क्या सुधार करना है। तो इस एक्ट के माध्यम से कंपनी को 20 साल का लाइसेंस और मिल गया भारत में व्यापार करने का। अब इसके बाद अगला एक्ट आएगा 1833 में। तो आइए अब देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट को। तो फ्रेंड्स, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी को 20 साल का और लाइसेंस मिल गया था। इसके बाद आता है, सॉरी, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद 20 साल का और लाइसेंस मिल गया था। फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट, चूँकि 1813 में आया था, 20 साल बाद फिर आया 1833 का चार्टर एक्ट। अब देखते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषताएँ क्या क्या हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई थी। तो दोस्तों, 1833 के चार्टर एक्ट में पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये एक्ट एकात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत थी। मतलब इस एक्ट के माध्यम से भारत में एकात्मक शासन प्रणाली की नींव डाली गई थी, ठीक है, या ये कहिए कि ये एक्ट एकात्मकता की ओर ले जाने वाला था। क्यों था, इसलिए था क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो अगर संपूर्ण भारत की बात आ गई तो एकात्मकता की बात आ गई, ठीक है। उसके पहले प्रोविंस की बात होती थी, बंगाल का, मद्रास का, मुंबई का। तो अब क्या हुआ, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक। तो इसका मतलब यहीं से एकात्मक शासन प्रणाली की ओर इशारा किया गया, ठीक है, एक धागे में पिरोने का प्रयास किया गया पूरे भारत को, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय विलियम बेंटिंक थे गवर्नर बंगाल के। तो इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए, ठीक है। कौन हुआ, विलियम बेंटिंक। तो दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, ठीक, ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यही जो संपूर्ण भारत का बना दिया गया, यही एकात्मकता की शुरुआत थी, भारत को एक धागे में पिरोने की शुरुआत थी। तो याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछे किस एक्ट के द्वारा एकात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा वो नींव डाली गई थी, ठीक। दूसरा क्या किया गया, 1813 में आपने सुना था, हमने अभी पढ़ाया
कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीनी को छोड़ के, अर्थात चाय और चीनी पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अर्थात अब चाय और चीनी पर से भी व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया गया। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड की अन्य कंपनियां जो हैं वो भी अब भारत में आके चाय और चीनी पर भी व्यापार कर सकती हैं, ठीक है। इसके पहले 1813 में चाय और चीनी को छोड़ के बाकी चीज़ों पर व्यापार करने का अधिकार उनको दिया गया था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा पूरी तरीके से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। अब जितनी कंपनियां चाहें भारत में आके व्यापार कर सकती थी, ठीक। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारत में दास प्रथा का अंत किया गया। तो इसी एक्ट के द्वारा 1843 में कब, इसके तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस एक्ट के द्वारा 1843 में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया, लेकिन कब किया गया? 1843 में किया गया। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया, किस एक्ट के माध्यम से किया गया या कब किया गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछे दास प्रथा का अंत किस एक्ट के माध्यम से किया गया, तो चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से किया गया। कब किया गया? 1843 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, मतलब उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलन बरो। तो इन्होंने ही दास प्रथा का अंत 1843 में किया था। किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो ने ही दास प्रथा का अंत 1843 में किया था। तो हमने 1833 के चार्टर एक्ट की तीन महत्वपूर्ण बातें देख ली, फिर से उनका रिवीजन करते हैं। पहला, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा या बना दिया गया, अर्थात एकात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत इसे हम कह सकते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल भारत के कौन हुए? विलियम बेंटिंक हुए। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए थे? वॉरेन हेस्टिंग हुए थे। दूसरी इंपॉर्टेंट जो इसमें मेंशन की गई है टॉपिक, वो क्या है? इस एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, ठीक। तीसरा, इस एक्ट के द्वारा 1843 में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। तो हम कितने एक्ट पढ़ चुके? चार एक्ट पढ़ चुके। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, 1813 का चार्टर एक्ट हो गया, 1833 का चार्टर एक्ट हो गया। अब हम पढ़ने चल रहे हैं चार्टर एक्ट 1853। तो आइए देखते हैं चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। तो इसमें क्या प्रमुख विशेषता थी? हर 20 साल पे इस एक्ट के द्वारा भी कंपनी का लाइसेंस 20 साल बढ़ा दिया गया। जैसे 1813 में 20 साल बढ़ाया गया, तो 1833 में एक्ट आया, इस एक्ट के द्वारा फिर कंपनी का लाइसेंस 20 साल बढ़ गया, तो 1833 के बाद 20 साल जोड़ेंगे तो 1853 आएगा। तो इसीलिए 1853 में फिर से चार्टर एक्ट आता है। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? इसमें प्रमुख कौन सी चीज़ें मेंशन की गई जो हमें जानना आवश्यक है? तो इस एक्ट के माध्यम से सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, अर्थात सिविल सेवकों के चयन के लिए, उनकी भर्ती के लिए अब खुली प्रतियोगिता व्यवस्था शुरू की गई। किसके द्वारा? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा सिविल सेवकों के भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई, अर्थात उनके चयन के लिए, उनके भर्ती के लिए कंपटीशन आयोजित किया जाने लगा पेपर के माध्यम से, खुली प्रतियोगिता जिसको कहते हैं, ठीक। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या है कि प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। तो 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषदों में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया, ठीक है। स्थानीय प्रतिनिधित्व को वरीयता प्रदान की गई। तो ये रहा 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषताएं। अब क्या होता है? अब 1853 का चार्टर एक्ट आता है, कंपनी का शासन 3-4 साल और चलता है, लेकिन जनता में अंग्रेजी सरकार की नीतियों के खिलाफ जो अंदर से उबाल आ रहा था, उसी के फलस्वरूप उसके विभिन्न कारण थे। केवल सैनिक कारण ही नहीं थे, सैनिक कारण भी थे, व्यापारिक कारण भी थे, कृषि के कारण भी थे, जनजातियों के कारण भी थे। तो सबके अंदर कहीं ना कहीं एक विद्रोह उत्पन्न हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? 1857 की क्रांति होती है, ठीक है। फिलहाल कई विद्वान इस पे आपत्ति करते हैं कि 1857 की क्रांति ना बोलिए इसको। क्यों?
क्रांति का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन, ठीक है। जब कभी कहीं क्रांति होती है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, तो तख्ता पलट गया अचानक से, लेकिन इसमें 1857 में जो क्रांति हुई उसमें हमें सफलता तो नहीं मिली, अंग्रेज उस समय भाग तो नहीं गए, उनका शासन चलता रहा, तो इसको हम क्रांति नहीं कह सकते, बल्कि 1857 का विद्रोह कहते हैं इसको, ठीक है, 1857 का विद्रोह। तो दोस्तों, अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ 1857 में विद्रोह हो जाता है, जिससे जो इंग्लैंड में बैठे सम्राट थे, जो अब तक कंपनी के माध्यम से शासन कर रहे थे, वो कंपनी से नाराज हो जाते हैं, और अब 1857 के बाद सम्राट भारत में सीधा शासन करना चालू करते हैं, कंपनी बीच से हटा दी गई, ठीक है। अब इंग्लैंड के सम्राट का भारत की जनता पे प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। तो इसीलिए हमने पहले ही जब इसको शुरू किया था पढ़ना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हमने दो पार्ट किया था, कौन सा, एक था कंपनी के अधीन शासन, एक था क्राउन के अधीन शासन। तो 1773 से 1857 तक तो हम कंपनी के अधीन शासन पढ़ते हैं, लेकिन 1857 के बाद अर्थात 1858 से हम क्राउन के अधीन शासन पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, बताया हमने कि 1857 में विद्रोह हो जाता है, जिससे क्षुब्ध होके जो सम्राट होते हैं इंग्लैंड के, वो शासन और सत्ता सीधे अपने हाथ में लेते हैं। तो अब इसके बाद जो अधिनियम आएंगे वो भारत पे शासन करने के लिए आएंगे, तो उनको नाम दिया गया भारत शासन अधिनियम। तो इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा शासन सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद पहला अधिनियम आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्राउन के अधीन शासन, आइए देखते।